हेलो। ये है इंडिया की पुरानी इन्वेस्टिंग। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल गाइस? आवाज आ रही है मेरी सब लोगों तक? कैन ऑल ऑफ यू हियर मी? एक बार जरा मेरे को थम्स अप दिखा दो कि हाँ सर, ऑडिबल है, सुनाई दे रहा है, सब कुछ आवाज आ रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो गाइस, वेलकम टू आवर सेशन, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज, दैट इज व्हाट आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जिसकी वजह से यू कैन गेट योर ड्रीम कॉलेज, दैट इज IITs फॉर M.Tech। ओके, तो सभी लोग आ गए हैं क्या? एक बार जरा यार सब लोग शेयर कर दो, अपने ग्रुप्स ग्रुप्स पे शेयर कर दो, जिससे कि जिन बच्चों को अगर नहीं शेयर हुआ हो, मे बी दे विल बी एबल टू ज्वाइन। ओके, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो बच्चों, अगर आप में से किसी का ड्रीम, मुझे नहीं लगता है कि किसी का होगा नहीं, आई होप आप सब लोगों का ड्रीम होता है कि आप M.Tech करके M.Tech करने जाएं और M.Tech में अच्छी IIT या फिर IISc बेंगलोर मिले। तो बच्चों आज इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आर सम ऑफ द की हैबिट्स जो आपको इन ड्रीम कॉलेजेस में आपको अपना एक सीट दिला सकती हैं, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सेशन स्टार्ट होने से पहले बच्चों, सिंस यूट्यूब पे बहुत दिनों बाद में मैं आया हूं, तो एक बार थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। गाइस, माय नेम इज विनोद कुमार दत्तुसलिया। आई एम अ डिजाइन इंजीनियर। आई हैव डिजाइन स्टीम टर्बाइंस, आई हैव डिजाइन गैस टर्बाइंस। आई वॉज ऑल इंडिया रैंक 1 इन गेट इन मैकेनिकल, रैंक 477 इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, रैंक 3 इसरो। मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एंड आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे पढ़े हुए हैं एंड दे आर इन टू वेरी बिग बिग कंपनीज जो कि IITs के थ्रू गए हैं। ओके, सो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर इन इन कॉलेजेस में से कोई सी भी कॉलेज अगर आपकी ड्रीम है, जैसे कि जब आप बीटेक कर रहे होंगे उस टाइम आपका ड्रीम रहा होगा कि यार, बीटेक नहीं सॉरी, 11th 12th में जब रहे होंगे तो आपका ड्रीम रहा होगा कि यार मैं किसी IIT में एडमिशन ले लूं या मेरे को IIT मिल जाए और वहां से मैं अपनी बीटेक करूं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपको वो पॉसिबल नहीं हो पाया है, तो अभी भी आपके पास में एक और ऑप्शन है, आप आराम से M.Tech कर सकते हैं। यू कैन फेच वेरी गुड रैंक आपका जो गेट एग्जाम होता है उसमें, एंड यू कैन डू M.Tech फ्रॉम दीज प्रेस्टिजियस कॉलेजेस। तो अगर इनमें से कोई सा भी कॉलेज है जिसको देख के तुम्हारे अंदर से रोंगटे अगर खड़े होते हैं, इसको देख के एकदम फील आती है कि हाँ यार, नहीं, दिस इज वेयर आई वॉन्ट टू बी, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, आई होप ये सारी बिल्डिंग्स आपने पहले भी देखी होंगी, ठीक है? ये वाली फोटो IIT दिल्ली की, ये IIT बॉम्बे की, ये सब आई एम श्योर आप लोगों ने पहले भी देखी होंगी। तो अगर आप में से किसी का भी कोई भी सोचता है कि इस कॉलेज में मैं जाके यार पढ़ूंगा, तो लेट्स सी कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं विच कैन गेट यू इन टू दीज ड्रीम कॉलेजेस। ओके, तो वी विल स्टार्ट विद अवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आपकी गेट की प्रिपरेशन में। जो मुझे ऐसा लगता है बच्चों, ये सारी जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूं, ये सारी वो टिप्स हैं विच आई फील आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनकी वजह से शायद मैं
आई वॉज एबल टू गेट ऑल इंडिया रैंक वन इन गेट. ओके, तो मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द कंसेप्ट बिल्डिंग. देखो, कंसेप्ट बिल्डिंग इज नथिंग बट इट इज द प्योर नॉलेज. आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए. अगर उस सब्जेक्ट का नॉलेज है देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. और नॉलेज है तभी आप जा पाएंगे, आप कॉलेज में जाएंगे एमटेक करने, वहां पे जाके आप कोर्स पढ़ पाएंगे. अगर आपका पास नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. तो नॉलेज होने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी होता है कि जो भी टीचर आपको पढ़ाए एटलीस्ट आप उसको समझे, अच्छे से समझे, दिमाग के अंदर बैठा ले. और जब वो चीज समझ में आ जाएगी फिर आपसे कोई कुछ भी पूछे तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे या फिर आप उसका बहुत इजीली आंसर दे पाएंगे. ठीक है, देखो आज इस पीपीटी में मैं कुछ कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लेके आया हूं जो शायद आपको कोरिलेट करेंगे या फिर आपको थोड़ा सा बताएंगे कि हाँ यार ऐसे भी सोचा जा सकता है. ठीक है, तो मान लो अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, लेट्स से आई हैव अ पिक्चर, मेरे सामने एक पिक्चर है ऐसी, आप लोगों को इस पिक्चर में क्या दिखता है. मान लो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर दीज लाइंस, ये जो सारी लाइंस दिख रही हैं आपको, ये कुछ कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट में ये कुछ लाइंस दिख रही हैं. मैं आपसे पूछता हूं व्हाट आर दीज लाइंस, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट आर दीज लाइंस, जरा इसको थोड़ा सा सोचो और समझो कि क्या होगा. कुछ दिख रहा है यहां पे, कुछ समझ में आ रहा है इस पिक्चर में? सारी पिक्चर इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन रियल लाइफ. आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चों को ये पिक्चर देख के पहली नजर में समझ में नहीं आई है. ठीक है, पहली नजर में देख के समझ में नहीं आई है. आप सोच रहे होगे कि यार ये कुछ दीवार सी बनी हुई है, ये कुछ रास्ता सा बना हुआ है, कुछ है यहां पे कुछ लाइंस बनी हुई है. ठीक है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि दिस माइट बी ए पेंटिंग. ठीक है, किसी ने शायद पेंटिंग बनाई होगी. कुछ कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं का एरियल व्यू भी होगा. ठीक है, कोई एक एरियल व्यू होगा जो आपको दिख रहा है. बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. तो देखो बच्चों, जब तक इस चीज को आप समझोगे नहीं, अगर मान लो मैं आपको कहता हूं दिस इज वन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग और इस पेंटिंग में आपका देर आर फ्यू थिंग्स जो आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं, तो आप उसके बारे में अब ज्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे. अगर मैं कहता हूँ ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है तो आप समझ सकते हो कि हाँ भैया ये स्ट्रोक्स होंगे, ब्रश के स्ट्रोक्स होंगे, दिस माइट बी सम ऑफ द मार्किंग्स जो कि किसी ने लाइन पे करके निकाली होंगी. ठीक है, अगर मैं कहूँ ये किसी एक रियल लाइफ फील्ड का, धरती का एक एग्जाम्पल है, एक बहुत ही ऊपर से कैमरे से एक एरियल व्यू लिया गया है जहां पे यहाँ पे कुछ वॉल्स बने हुए हैं, ये आपका एक फील्ड है, उस फील्ड में एक ट्रैक्टर चलाया गया है, ट्रैक्टर के पीछे जो खेत जोतने वाला होता है उसको चलाया गया है, ये उसकी लाइंस है और यहाँ पे ये फील्ड इधर की तरफ जोता हुआ है या फिर यहाँ पे कुछ वॉल्स वगैरह बनाई हुई है. तो वो कंसेप्ट अगर आप समझ गए या फिर वो चीज समझ गए, इसका बैकग्राउंड वाला चीज अगर आप समझ गए, तो अब आप इसको ज्यादा कोरिलेट कर पाओगे, आपका दिमाग उसको ज्यादा समझ पाएगा. सेम हैपन्स विद द नॉलेज. आपके पास में कोई भी एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को आपको अब मैं किताब में सिर्फ दूं कि भैया डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, तो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल दूंगा तो आप लोग क्या सोचोगे, बहुत सारे अपना अपना जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से कंसेप्ट बना लोगे कि हाँ भैया किसी को ये समझ में आ रहा है, किसी को ये समझ में आ रहा है, किसी को ये समझ में आ रहा है, किसी को ये समझ में आ रहा है. फिर टीचर आके आपको एक्चुअल में समझाता है कि दिस इज व्हाट इज डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल. तो अगर वो अच्छे से समझ गए फिर उस कंसेप्ट में आप चाहे जितने मर्जी सवाल पूछो मैं आराम से जवाब दे पाऊंगा. लेकिन जब तक नहीं समझोगे तब तक हमेशा दिक्कत आती रहेगी. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंसेप्ट क्या है उसको समझो. अगर कंसेप्ट आप समझ गए, उस कंसेप्ट को दिमाग में घुसा लिया, फिर चाहे जो मर्जी आप क्वेश्चन पूछो मैं एकदम बेधड़ल्ले से जवाब दूंगा. इज इट क्लियर? तो इसीलिए मैंने आपको यह पिक्चर दिखाई थी कि आई फील दैट दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या कहते हो, आप लोगों को भी यही लगता है? ओके, सो कुछ जवाब आए थे, सरफेस डिफेक्ट. ओके, वेरी गुड गेस. ठीक है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि कंसेप्ट बिल्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? यस, आई फील कंसेप्ट बिल्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. उसके बाद में जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है जो मुझे लगता है किसी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस.
आप में से बहुत सारे बच्चे हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आप बोलते हो कि सर मैंने पीवाईक्यूज कर लिए हैं और जो भी क्लास में क्वेश्चन करवाए थे वो भी मैंने कर लिए हैं, क्या ये सफिशियंट है क्या? अब देखो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देता हूं। आपको पता है कि महाभारत में सबसे बड़ा धनुर्धर कौन था? सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन था, ठीक है। आपको पता है कि अर्जुन कुछ भी लक्ष्य था उसको भेद देता था। बट आपको एक महाभारत का छोटा सा किस्सा बताता हूं। एक बार रात को द्रोणाचार्य ऐसे ही निकल रहे थे वॉक पे, तो उन्होंने देखा कि कोई एक बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, अपने धनुष से प्रैक्टिस कर रहा है रात के टाइम में। तो उसने द्रोणाचार्य ने देखा कि भैया एक उसने टारगेट लगाया हुआ है और उस पर खड़ा होके मारे जा रहा है, तीर पे तीर, तीर पे तीर, तीर पे तीर, तीर पे तीर मारे जा रहा है। तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो बोला, गुरुदेव मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मैं कैसे सक्सेसफुल बनूंगा। तो उस टाइम अंधेरा था, तो द्रोणाचार्य बोलता है कि अंधेरे में क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो? तो अर्जुन ने एक बहुत ही अच्छा, कोई गेस मारेगा कि अर्जुन ने उसका क्या जवाब दिया था? अर्जुन ने कहा था कि देखो मैंने भीम भैया को देखा है कि भीम भैया को जब भी कुछ खाना होता है या भीम जब भी खाता है तो वो चाहे दिन में खाए, रात में खाए, आंख बंद करके खाए, अगर हाथ से कौर उठा के उसको खानी होती है तो वो हाथ से कौर सीधी उसके मुंह में ही जाती है, चाहे वो रात में खाए, दिन में खाए, कभी भी खाए। आप लोग भी होंगे, कहीं से टुकड़ा तोड़ के अगर आपको मुंह में खाना है तो वो मुंह में ही जाता है, वो बाहर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस की हुई है। बचपन में छोटा बच्चा होता है वो जब खाने के लिए प्रैक्टिस करता है तो इधर भी लगता है, इधर भी लगता है, इधर भी लगता है, बट धीरे धीरे करके हजारों बार प्रैक्टिस करने के बाद में उसका हैंड परफेक्ट हो जाता है। एंड दैट इज व्हाट अर्जुन सेड कि मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा उतना ज्यादा मैं सक्सेसफुल होऊंगा। अब देखो अगर यहां पे सोचने वाली बात है, जब गुरुदेव पढ़ाते थे तो सारे बच्चे प्रैक्टिस करते थे, सारे बच्चे टारगेट लगाते थे, अर्जुन रात में जाके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता था, जब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता था तभी जाके वो अच्छा धनुर्धर बना। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ सिर्फ क्लास के एग्जाम्पल सॉल्व करने से और पीवाईक्यू बना लेने से क्या आप सक्सेसफुल हो जाओगे? क्या आप रैंक वन लेके आ जाओगे? एग्जाम्पल आपके सामने है, आंसर आपको पता है, नाउ यू हैव टू डिसाइड। समझ में आ रहा है सबको क्या कहना चाह रहा हूं? सिर्फ ये सफिशियंट नहीं है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? क्वेश्चन आप ले सकते हो बहुत सारे, आजकल तो बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। सबसे बेस्ट सोर्स जो क्वेश्चन का है दैट इज बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स उठा लो। बुक्स में से बहुत सारे सॉल्व न्यूमेरिकल्स होते हैं, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स होते हैं, उन सबको आप प्रैक्टिस करो। ये जब हो जाएंगे तो प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस ईयर्स की आपकी टेस्ट सीरीज होती हैं, ठीक है, उन टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर लो। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप टारगेट के क्लोज जाते जाओगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? देखो बहुत ही छोटी छोटी बातें बता रहा हूं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपकी ताकि आपको दिमाग में समझ में आए कि हाँ यस दिस इज व्हाट इज मस्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट मूविंग, देखो दो चीज हमने बता दी, अब तीसरी चीज जरा जल्दी से मेरे को सब बताना फटाफट, ये कहां का सीन है, ये क्या चल रहा है, सामने जो आपको पिक्चर देख रही है उसमें क्या क्या सीन है, कोई मेरे को बताएगा जल्दी से फटाफट, देखते हैं 30 seconds में कौन आंसर देता है। व्हाट इज दिस? देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। सर आई मीन फोर्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर, मैं एक्सी या मैकेनिकल कौन सा सही रहेगा प्रिपेयर करना? मैकेनिकल से प्रिपेयर करो, मैकेनिकल से प्रिपेयर करो, एक्सी उसका सबसेट है तो एक्सी तो दे दोगे। बाहुबली है, बाहुबली में क्या है, ये कब का सीन है, ये बाहुबली 1 है या बाहुबली 2 है और ये कहां का सीन है, जल्दी बताओ। आई एम श्योर आप में से हर कोई ये बता पाएगा कि यह बाहुबली का सीन है और बाहुबली उस डैम पे चढ़ के जब पिंडारी अटैक कर देते हैं बाहुबली के वो जो देवसेना है उसके किले पे, वो जब बाहुबली 3-3 तीर लेके देवसेना और वो दोनों मार रहे होते हैं, उसके बाद में जब पिंडारी जब अटैक कर देते हैं तो वो पिंडारियों को पूरा फेंकने के लिए वो क्या करता है, ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर चढ़ के डैम से वो डैम के पिलर्स जो होते हैं उनको निकाल देता है ताकि पूरा पानी नीचे आके सारे पिंडारियों को लेके जाए।
कितने लोगों को ये याद था? आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को याद होगा। क्यों याद हुआ आपको ये सीन देखते कैसे याद आया कि यार ये तो बाहुबली 2 का सीन है और ये वहां का सीन है और एकदम परफेक्ट सीन है। ठीक है, इससे पहले एक होता है वो सिंह लेके देवसेना की तरफ आ रहा होता है तो बाहुबली उसको हाथ खींच के उसको देवसेना को बचाता है, वो भी याद है। वहां पे एक रोमांटिक सा एकदम माहौल भी क्रिएट हो जाता है, याद है कि नहीं? सबको याद है। कैसे याद है? इसलिए याद है बिकॉज शायद ये बाहुबली मूवी हमने 4 बार 5 बार 6 बार घर पे बैठ के देखी है। तो जितना ज्यादा चीजों को आप देखोगे उतना ज्यादा चीजें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी। एंड दैट इज वेयर द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू, दैट इज द रिविजन। जितना ज्यादा रिविजन करोगे, जितना ज्यादा चीजों को पढ़ोगे, उतना ही ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी। एंड जितनी ज्यादा याद रहेंगी, जब एग्जाम में कोई आपसे पूछेगा कि भैया ये क्या है, पटाख से खोल के बता दोगे कि सर बाहुबली 2 का सीन है, यहां पे पिंडारी अटैक कर देते हैं और ये उनको उड़ाने का तरीका ढूंढ रहा होता है। क्लियर है ये? समझ में आया? सो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। रिविजन को मैंने आपको पहले ही बताया है, कोई भी जो आपको रिविजन करना होता है, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक जब रिविजन करते हैं, ठीक है, तो टी अगर आज कोई भी चीज आपने पढ़ी है तो उसका फर्स्ट रिविजन होना चाहिए 3 डेज के बाद में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रिविजन है। सेकेंड रिविजन जो आपका होना चाहिए दैट इज T0+7 डेज, 7वें दिन आपका रिविजन होना चाहिए। उसके बाद में थर्ड रिविजन जो होता है दैट यू कैन डू T0+15 डेज, एंड फोर्थ रिविजन इज T0+30 डेज। ये आप ऐसे रिवीजन शेड्यूल अपना बना सकते हो। फर्स्ट रिवीजन 3 दिन बाद, सेकंड रिवीजन 7 दिन बाद, तीसरा रिवीजन 15 दिन बाद, चौथा 30 दिन बाद। अगर ऐसा करोगे आपके कंसेप्ट एकदम सॉलिड हो जाएंगे, आप कुछ नहीं भूलोगे, सब कुछ रिवाइज रहेगा, दिमाग के अंदर रहेगा, फटाक से आंसर बता दोगे। ये वीडियो 7 बार देखा है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्लियर है सबको? सो 3 इंपॉर्टेंट चीज हमने बता दी। चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है जो शायद आप सब लोग भी इससे एग्री करेंगे, दैट इज टेस्ट सीरीज। अगेन टेस्ट सीरीज क्या है? वही अर्जुन वाली चीज है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जब आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना। अगर पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो पार्ट सिलेबस हुआ है तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दो। जब सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाए मई जून से आप टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दो। पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देना शुरू करो और अक्टूबर से फुल लेंथ देना शुरू करो। जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज के पेपर्स दोगे उतना ज्यादा बेटर है। ट्राई करो कि एटलीस्ट 30 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट आप टारगेट कर सको कि हाँ इतने टेस्ट मैं टारगेट कर रहा हूं। इज इट क्लियर? इतने अगर टेस्ट करोगे तो आपका आराम से सिलेक्शन होगा। सो वी हैव डिस्कस 4 थिंग्स, 4 चीजें डिस्कस कर ली। देखते हैं फिर से मूवीज का ज्ञान कोई बताएगा ये क्या है, What is this thing? ये क्या है, ये नई चीज, ये साथ में सामने आदमी हथौड़ा देख के हाथ चलाने की कोशिश कर रहा है, जल्दी बताओ कोई बताएगा What is this? कोई बताएगा ये क्या है? सर आई हैव आई प्रॉब्लम सिंस बर्थ, आई पावर 6/16, कैन आई गो टू PSU थ्रू गेट एग्जाम? यस यू कैन गो सर, प्लीज टेल टॉपिक फॉर मेजर प्रोजेक्ट फॉर सिविल। सिविल के लिए यार आप मैं मैकेनिकल से हूं तो बहुत ज्यादा मेजर टॉपिक्स मैं बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, देखो ये जो चीज है, मांझी द माउंटेन मैन, वेरी गुड, आगे आंसर देखो, मांझी द माउंटेन मैन। ठीक है, दशरथ मांझी जिन्होंने एक पूरा पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया था ताकि गांव को कनेक्टिविटी मिल सके दूसरे शहर में। ठीक है, इस बंदे का डेडिकेशन, इस बंदे का डिसिप्लिन, इस बंदे की कंसिस्टेंसी, रोज सुबह आता था, पत्थर तोड़ता था, पत्थर तोड़ के फिर वापस गांव जाता था और फिर वापस आता था और फिर पत्थर तोड़ के पूरा पहाड़ तोड़ डाला एक अकेले आदमी ने और रास्ता बना दिया। दिस इज वॉट इज कंसिस्टेंसी कैन डू टू यू। एक स्टूडेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। कभी हारना नहीं है, कभी थकना नहीं है, पूरे टाइम आपको जो आपका एम है उस एम के लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना करते रहना करते रहना। आपको हर सुबह रोज सुबह लगेगा कि यार मैं बोर हो गया हूं, अब मैं नहीं पढ़ना चाहता। ये सोचो ये बंदा कितना बोर होता होगा, अकेला चल रहा है, पत्थर तोड़ रहा है,
थक जाता है बट फिर भी तोड़ता है. दैट इज व्हाट इज द कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दैट इज नीडेड इन एवरीबॉडी. अगर आप ऐसा कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन लाएंगे, आपको कभी नहीं लगना चाहिए कि आपको अपने गोल से पीछे हटना है. जो आपका गोल है, जब तक वो अचीव नहीं होगा तब तक आप पीछे नहीं हटोगे. मुझे पता है बहुत बाधाएं आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी, बट उन सबको आपको क्लियर करके जाना है. सो गाइज, दिस इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कभी भी आपको लगे कि नहीं यार, अब मैं छोड़ देता हूं, मेरे से नहीं होगा, डोंट थिंक अबाउट दैट. हमेशा अपने दिमाग को समझाओ कि क्यों नहीं होगा. हर साल 1000 लोग पीएसयू जाते हैं, मैं क्यों नहीं जा सकता? व्हाई कांट आई बी दोस? ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट. तो पांच चीजें हमने देख ली. दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आईआईटी में पहुंचा सकती है. सेकेंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज इज टाइम मैनेजमेंट. आपके पास में सिर्फ 24 घंटे हैं और उन 24 घंटों में बहुत कुछ पढ़ना है आपको. बहुत पढ़ना है, बहुत प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा टेस्ट सीरीज भी देना है. हर कोई ये बताता है, वो बताता है, ये लेक्चर भी सुनना है, वो लेक्चर भी सुनना है. तो टाइम को मैनेज करना पड़ेगा. आई होप मंगल मिशन सब लोगों ने देखी थी. दे वर वेरी हार्ड ऑन टाइम. बहुत टाइम लाइन. आप मंगल ग्रह पे कुछ भेजना होता है तो आपके पास में 2-2.5 साल में एक बार एक विंडो आती है कि उस 2.5 साल में अगर आपने भेज दिया उस विंडो में तो आप पहुंच जाओगे, अदरवाइज फिर आपको 2.5 साल वेट करना पड़ेगा. सो दे वर वेरी स्ट्रिंजेंट ऑन टाइमलाइंस, बट इन लोगों ने करके दिखाया. द सेम थिंग इज विद यू. आपको पता है कि मेरे पास में यही 8 महीने है, यही 9 महीने, इन्हीं 9 महीने में आपको सब कुछ प्लान करना है, अच्छे से प्लान करना है. जितना अच्छे से प्लान करोगे उतना अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे. हर दिन मुझे 4 घंटे लेक्चर करना है, 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दूंगा, 3 घंटे रिवीजन पे दूंगा. जो बचा हुआ टाइम दूंगा उसमें मैं एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह पढ़ूंगा. ये आपको रोज मैनेज करना है. हर दिन मैं 14 घंटे अपनी पढ़ाई के बारे में सोचूंगा, बचे हुए 10 घंटों में से 6 से 7 घंटे सोऊंगा, बाकी 3 घंटे खाना पीना, नहाना धोना, बाहर जाना, सब कुछ काम करना. ऐसा आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए. Sir, my brother got 268 rank in ME in general category. Will he get PSU? Of course he will get. कोई रोक नहीं सकता उसको PSU देने से. ठीक है, he will get a call. उसको बोलो कि प्रैक्टिस करेगा, इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कर ले, आराम से उसका सिलेक्शन हो जाएगा. And guys, let's go to the last important thing. That is the 7th most important thing जो आपको चाहिए. That is self motivation. Again, मैंने कहा है कि बहुत बाधाएं आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी, आपको लगेगा कि मैं छोड़ देता हूं, पर छोड़ना नहीं है. और मोटिवेशन आपको इस बंदे से ज्यादा कोई नहीं सिखा सकता. यह बंदा जो अपने गोले से यहां पे आ गया था नीचे, और इसका रिमोट वा चोरी हो गया था. अब हर दिन सुबह भगवान के पास जाता था ये मांगने के लिए कि मेरा रिमोट वा वापस दिला दो तो हम जाएं अपने गोला पे. हाईली मोटिवेटेड, हर दिन यही काम करता था. एक ही उसका मोटो होता था कि कैसे मेरा रिमोट मिल जाए. ठीक है, सो गाइज अगेन दिस इज वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. आपको क्यों तैयारी करनी है, आपके अंदर क्या मोटिवेशन है, आपको अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है, आपको लाइफ में कुछ गोल चाहिए, आप एक अच्छे डिजाइनर बनना चाहते हो, आप एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो, यू वॉन्ट टू बी ए गुड इन्वेंटर, आप अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करना चाहते हो कि भैया मेरा बंदा मेरे गांव में, मेरे शहर में ऐसा अकेला बंदा है जो ये काम करता है, मेरा बेटा इसरो में है, मेरा बेटा नासा में है, मेरा बेटा डीआरडीओ में है. दैट इज व्हाट इज द मोटिवेशन जो आपको अपने पेरेंट्स की नजरों में हो सकता है शायद कि मेरे पेरेंट्स इतने ज्यादा खुश होंगे मेरे को वहां देख के. दैट कुड बी वन मोटिवेशन. बहुत सारे मोटिवेशन हो सकते हैं, तो वो मोटिवेशन आपको अपने लिए ढूंढना है. और जिस दिन वो मोटिवेशन मिल जाएगा उस दिन आप फुल थ्रॉटल के साथ एकदम फुल स्पीड में भागेंगे, एंड आई एम श्योर यू विल गेट द सक्सेस. ओके, सो गाइस दीज वर द 7 वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो शायद आप मेरे से ले सकते हो. इनमें से कुछ एसेंस शायद आप जरूर मेरे से ले सकते हो, एंड आई एम डैम श्योर यू विल श्योरली गेट समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ दीज 7 टिप्स. अगर किसी का कोई सवाल है तो गाइज आई एम ओपन टू ऑल योर क्वेश्चंस. अगर किसी को लगता है कि इन 7 चीजों में से कुछ ऐसी चीज है जो आपको और हेल्प कर सकती है तो डू लेट मी नो, पूछ लो जल्दी जल्दी. या फिर किसी को कोई और डाउट है, लाइफ में कुछ और चल रहा है कि सर मेरी मोटिव, मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो रखे हैं,
मेरी लाइफ में ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो रखे हैं, कैसे हैंडल करूं, जल्दी बताओ। कोई और सवाल है किसी का? नहीं है, सबके डाउट्स क्लियर हैं? ओके, तो अगर सबके डाउट क्लियर है तो बच्चों आज के सेशन को आई होप हम यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको जरूर कुछ पॉजिटिव आज एनर्जी मिली होगी एंड यू माइट हैव गॉट सम गुड आइडियाज जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू कैन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो चलो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। मैं ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोज लेके आता रहूंगा, आप लोग देखते रहिए। ठीक है, और कनेक्टेड रहिए। किसी को अगर कोई भी जरूरत है आप लोग मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वी विल ट्राई टू हेल्प दैट। ओके, तो थैंक यू सो मच। सर एक डाउट है। हाँ बताओ भाई। सर ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक हाउ मेनी क्वेश्चंस टू सॉल्व? इट डिपेंड्स। अगर कोई भी एक टॉपिक है तो उस पर आपको 10 से लेके 20 30 क्वेश्चन तक भी सॉल्व करने पड़ सकते हैं। जैसे कोई आसान सा टॉपिक है, मान लो एक आसान टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में डेंसिटी हो गया, बाकी बहुत सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो उसके लिए सब आसान आसान है, 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बट रोटेशनल मोशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हर टॉपिक पे 20-30 क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने पड़ सकते हैं। सर 458 रैंक जनरल मैकेनिकल में क्या मिल सकता है? आपको बहुत कुछ मिल सकता है अंकित। आपको टॉप IIT से मतलब IIT बॉम्बे में तो नहीं, ठीक है, IIT बॉम्बे में अच्छी ब्रांच नहीं, बट कानपुर, मद्रास, आपको दिल्ली, अच्छी आराम से अच्छी अच्छी ब्रांचेस मिल जाएंगी। ठीक है, सारी ब्रांचेस भर दो। ठीक है, थर्मल हो गया, डिजाइन हो गया, और उसके बाद में फ्लूइड्स हो गया, ये सारी ब्रांचेस आप भर दो, आपको आराम से IIT कानपुर में मिल जाएगा, IIT मद्रास में भी मिल जाएगा। ठीक है, खड़गपुर वगैरह का तो डिजाइन भी आपको मिल जाएगा आराम से, IIT दिल्ली में मिल जाएगा। सॉलिड मैकेनिक्स भर दो, IIT बॉम्बे में भी, IIT बॉम्बे में थोड़ा सा चांस कम है। ठीक है, ओके, सो इफ देयर आर नो अदर डाउट्स, सो गाइस लेट्स स्टॉप इट ओवर हियर एंड बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय, अच्छे से पढ़ो और होप टू सी यू गेट अ गुड रैंक नेक्स्ट टाइम।